Hello friends, this is Amandeep and I welcome to you Gyan Shree Education Tutorial. Today we are going to talk about present perfect tense. So friends, आज हम बात करने वाले हैं present perfect tense की कि present perfect tense क्या होता है, इसी क्या uses होते हैं और किन-किन situations में हम इसका use करते हैं, कौन सी helping words होती हैं, verb की कौन सी form हम इसमें use करते हैं. तो let's start friends. Present perfect tense. This tense shows the completeness of an action. जो present perfect tense है, इसके अंदर हम उन वाक्यों की बात करते हैं या वो actions की बात करते हैं जिनके अंदर हम कोई काम कर चुके हैं, means कोई काम पूरा हो चुका है, कोई action है जो शुरू हुआ था और वो अब complete हो चुका है. तो जो present perfect tense है, उसके अंदर हम कोई काम पूरा होने की बात करते हैं. तो जो इसकी formation होती है, वो friends कैसे होती है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव. आपको ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज हैव. और हैज हैव की फ्रेंड्स एक कंडीशन है, क्या है, जो सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम हैज यूज करते हैं और जो प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे उनके लिए हम हैव यूज करते हैं. जैसे ही, शी, इट या किसी का सिंगुलर नेम, राम, श्याम, सीता, तो जो सिंगुलर नेम्स होते हैं उनके साथ हम भी हैज का यूज करते हैं. और हैव का यूज फ्रेंड्स हम कहाँ करते हैं, जैसे जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल नेम्स राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो जहाँ पे दो नाम आ जाएं वहां पे भी हम हैव का यूज करेंगे. और जो आई, यू, वी, दे हैं उनके साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो जो प्लूरल नेम है उनके साथ भी हम हैव का यूज करते हैं. और हैज हैव के बाद फ्रेंड्स हमें ध्यान क्या रखना है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है हम वो यूज करेंगे. कभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कभी भी हम वाक्य बनाते हैं तो जो वर्ब की फॉर्म है वो फ्रेंड्स हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. उसके बाद जैसा कि आपको पता है वर्ब के बाद हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो आता है. तो एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, राम हैज गॉन टू द स्टेडियम. राम स्टेडियम जा चुका है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, कोई काम पूरा हो चुका है, कोई काम शुरू हुआ था. और जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और मेरे बोलने से कुछ देर पहले ही कोई काम पूरा हो चुका है, तो जो कंप्लीटनेस है वो ये टेंस शो करता है. वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, मींस कोई काम पूरा हो चुका है. इसके अंदर भी जो एक कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन ये शो कर रहा है. तो जो इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो इस प्रकार से होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्रेंड्स उसके बाद हम नोट का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ध्यान क्या रखना हमें, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें नोट का यूज करना है. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, दे हैव नॉट वॉश्ड देयर क्लोथ्स, उन्होंने अपने कपड़े नहीं धोए हैं. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक नेगेटिविटी है, मींस कोई काम पूरा नहीं हुआ है. वैसे तो ये काम तो हो चुका है मगर जो ये नोट है इसके कारण एक नेगेटिविटी आ रही है सेंटेंस के अंदर. दे हैव नॉट वॉश्ड देयर क्लोथ्स, यहाँ पे हमने दे के लिए हैव यूज किया और हैव के बाद हमने नोट लगाया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देयर क्लोथ्स. तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि नॉट हमने हैव के बाद यूज किया है. नेक्स्ट, जॉन हैज नॉट टेकन बाथ, जॉन है वो नहाया नहीं है, मींस यहाँ पे भी जो ये नॉट है हमने लगाया है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज किया है. जॉन हैज नॉट टेकन बाथ, तो जॉन के लिए हमने यहाँ पे हैज यूज किया क्योंकि जॉन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के लिए हमने जैसा मैंने आपको बताया कि हम हैज का यूज करेंगे जहां पे सिंगुलर नेम आ जाए. और उसके बाद हमने जैसे कि ये नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है तो उसके बाद नोट और टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म है टेक की, टेक टुक टेकन, तो टेकन हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ फ्रेंड्स वी टेक सम एग्जांपल्स टू शो द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दे हैव नॉट वॉश्ड देयर क्लोथ्स, तो फ्रेंड्स इसमें आप क्या देख रहे हैं, हमने जो सब्जेक्ट है वो दे यूज किया है और दे के लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव लगाया. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम हैज यूज करेंगे और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम
हैव यूज करेंगे, तो दे हैव नॉट वॉश्ड देयर क्लोथ्स। जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर हम जो नॉट लगाएंगे वो हैव के बाद लगेगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दे हैव नॉट वॉश्ड देयर क्लोथ्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, जॉन हैज नॉट टेकन बाथ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप क्या देख रहे हैं, जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने वर्ब यूज की है has, और has के बाद हमने नॉट यूज किया, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये नेगेटिव सेंटेंस की है, और जो टेकन हमने यूज किया है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे टेक टुक टेकन, तो वर्ब की जो टेक है उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है टेकन, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बाथ, जॉन हैज नॉट टेकन बाथ। Now friends, we talk about the formation regarding the interrogative sentence in the present perfect tense. So friends, जो interrogative जो वाक्य हैं हम present perfect में, उनकी जो formation है वो किस प्रकार होती है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो helping verbs हैं, जो interrogative sentence हैं, उनके अंदर जो helping verbs हैं वो subject से हम पहले use करते हैं, और जो subject है वो बाद में यूज किया जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि इस जो जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज हैव, तो हैज हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स उनको हमने आगे डाल दिया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैज ही कम, क्या वह आ चुका है? तो इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हैज ही कम, क्या वह आ चुका है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एक क्वेश्चन पुट किया गया है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, जो हमारा हैज हेल्पिंग वर्ब उसको हमने आगे ले लिया, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है ही वो बाद में, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज ही कम, क्या वह आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू टेकन योर लंच, क्या तुम अपना लंच कर चुके हो? तो इसके अंदर भी फ्रेंड्स क्या देख रहे हो, ये हमने क्वेश्चन पुट किया है, तो इसमें हमने जो हैव है हेल्पिंग वर्ब वो हमने आगे रख दी है, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है यू प्लूरल है, तो इसके लिए हमने हैव यूज किया है, तो हैव के बाद आ गया हमारा यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर भी हमने जो फॉर्मेशन है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिगार्डिंग हमने बनाई है, और उसके बाद हमें ध्यान क्या रखना है कि जो इंटरोगेटिव जो वाक्य होते हैं उनके बाद क्वेश्चन मार्क हम अवश्य लगाएं। Now friends, we talk about the formation regarding the interrogative plus negative sentence. जो interrogative जो वाक्य होते हैं और उनके अंदर हम not भी use करें, जो present perfect tense है, तो उनकी formation हम friends कैसे करते हैं? Helping verb हमारे has have हैं plus subject, जैसा हमने ऊपर भी किया था, जो interrogative वाक्य हैं, तो हमने जो लगाना है, जो अंतर क्या रहेगा, जो हमारा not है वो हमें subject के बाद use करना, जो बाकी जो formation है friends वो हमारी सेम रहेगी, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हैज ही नॉट अराइव्ड फ्रॉम द कॉलेज, क्या वह कॉलेज से नहीं आ चुका है? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो हमने नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद यूज किया है, बाकी जो फॉर्मेशन है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन ने वही यूज की है, बाकी ध्यान क्या रखना है, सिर्फ जो हमारा नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। Have they not washed their clothes? क्या उन्होंने अपने कपड़े नहीं धोए हैं? तो इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस में भी आप क्या देख रहे हैं, जो हमने नॉट है वो दे के बाद यूज किया है। Now friends, we talk about the uses of present perfect tense. Means जो uses हैं present perfect tense है उसकी यूज हम कहाँ पे करते हैं, मीन्स वो कौन से वाक्य होते हैं जहाँ पर present perfect tense का यूज किया जाता है। To show an action which has completed before some time. कोई काम है जो कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ है उसको दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही हैज जस्ट कम टू द ऑफिस, वह अभी अभी ऑफिस में आया है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोई काम कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है, जो काम था वो पास्ट के अंदर शुरू हुआ था मगर वो अभी अभी कुछ ही देर पहले ही खत्म हुआ है। तो ऐसे जो वाक्य हैं उनके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जो फॉर्मेशन है वो तो हमने की है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए हमने हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट ही हैज जस्ट कम टू द ऑफिस, वह अभी अभी ऑफिस में आया है। एक एग्जांपल और लेते हैं फ्रेंड्स, माय ब्रदर हैज रिटर्न फ्रॉम दिल्ली रिसेंटली, मेरा जो भाई है वो अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली से आया है। तो इस वाक्य के अंदर भी हम क्या देख रहे हैं कि
मेरे बोलने से पहले ही जैसे तो वो काम पूरा हुआ है, तो इस तरह का जो वाक्य है उसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज वहां पर भी करते हैं जैसे टू शो एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीट्स इन द प्रेजेंट, मींस कोई काम है वो पास्ट में शुरू हुआ था मगर जो उसकी कंप्लीटनेस है, जो काम पूरे होने का जो भाव है वो प्रेजेंट में होता है, कि काम तो भूतकाल में शुरू हुआ था मगर कंप्लीट वो प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे शी हैज ईटन ऑल द बनानास, वह सारे जो केले हैं उनको खा चुकी है, मींस खाना तो उसने पास्ट में शुरू किया था मगर अभी कुछ ही देर पहले उसने खाकर उनको, मींस जो काम है क्रिया है उसको पूरा किया है। तो क्या देख रहे हैं, जो काम था वो पास्ट में शुरू हुआ था मगर वो पूरा हो रहा है प्रेजेंट में। जैसे आई हैव रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँ, मींस मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँ, तो पहुंचने के लिए मैंने पास्ट में काम शुरू किया था मगर अभी क्या है कि मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँ। इस ये जो वाक्य है ये क्या दर्शा रहा है कि कोई काम है वो पास्ट में शुरू हुआ था मगर अभी अभी फिनिश हुआ है। तो जो इस प्रकार के जो वाक्य है फ्रेंड्स उनके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, मींस जहां पे जो एक्शन है वो पूरा हो चुका है। नाउ फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट द यूज नंबर थर्ड, मींस जो एक यूज और होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो हम कहां पे करते हैं। टू शो एन एक्शन विच टू प्लेस इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, मींस कोई काम है जो पास्ट में भी होता था अब भी हो रहा है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आई हैव नोन हिम फॉर 7 years, मैं उसको 7 साल से जानता हूँ, मींस ये काम है ये पास्ट में भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं ये तो है नहीं कि अब मैं उसको नहीं जानता हूँ, मींस अब भी उसको मैं जानता हूँ, तो पास्ट में भी जानता था और अब भी जानता हूँ। तो जो ऐसे वाक्य हैं इन वाक्यों में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, I have not seen him since last Monday. मैंने उसको last Sunday से नहीं देखा है। तो इस प्रकार का जो वाक्य है means मैं हो सकता है कि आने वाले समय में उसको देखूं मगर मैंने उसको last Sunday से नहीं देखा है। तो इसमें कोई काम है जो past में शुरू हुआ था और present में अभी भी चल रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनमें हम present perfect tense का use करते हैं। With this, I end this lecture. If you like this video, please share and subscribe. Thank you.